ये हमारा फ्लैट है और इसकी ये फ्रंट एलिवेशन रहने वाली है, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है। साथ में यहाँ पे एक शॉप भी है, इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों जो आपने फ्रंट एलिवेशन देखा है हमारे इसका फ्लोर का, तो इसका अब हम आपको बता देते हैं कि गांधी चौक पे रहने वाला है और नियर बाई आपको द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन मिलेगा। अब हम आपको दिखाएंगे गांधी चौक जो मेन रोड यहाँ पर रहने वाला है और बुद्ध बाजार यहाँ पे जो मेन मार्केट है इसकी रहने वाली है। साथ में आपको यहाँ पे नियर बाई में स्कूल मिल जाएगा, सहगल स्कूल आपको साथ में मिलेगा और जी डी लेंसर यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्राइवेट स्कूल है वो भी आपको यहीं पे मिल जाता है। तो दोस्तों अब आपको मैं पहले दिखाऊंगा आपको यहाँ पे जो गांधी चौक मेन रोड है, उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने फ्लोर पे अंदर की तरफ। ये आप देख रहे हैं सामने गांधी चौक मार्केट है, पूरी पूरी भरपूर मार्केट है, आपको सब कुछ मिल जाता है। साथ में आपको बीकानेर भी मिल जाएगा और ये जो देख रहे हैं ये हमारा चार पांच मकान छोड़ के ही आपको अपना फ्लैट मिल जाएगा। ये मेन रोड जो रहने वाली है इसकी, अपने गांधी चौक के साथ में ही आपको ये फ्लैट मिलेगा और यहाँ पे ई रिक्शा ऑटो आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। और जो हमारा ये फ्लैट है कॉर्नर का फ्लैट रहने वाला है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बना हुआ है सामने से। फ्रंट एलिवेशन जो इसकी बहुत सुंदर है, सीलिंग की रेलिंग वगैरह सब लगी हुई है और साथ में यहाँ पे एक शॉप है, उसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे अपने फ्लैट की तरफ अंदर। यहाँ से आपको एंटर करते समय आपको एक चीज़ मिल जाती है, ये इंटरकॉम की फैसिलिटी इसमें मिलती है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बैल बजा सकते हैं, फ्लैट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और साथ में आप इसमें बोल सकते हैं। ऊपर फ्लैट में कोई भी नीचे आता है तो वो बोलेगा और आपको ऊपर जाके बात करके आप उसको एंट्री दे सकते हैं अपने फ्लैट के अंदर। तो दोस्तों जैसे हम अंदर चलेंगे और तो अंदर आते ही आपको मिल जाती है यहाँ पे पार्किंग, देख सकते हैं पार्किंग मिल जाती है आपको, काफ़ी बड़ी पार्किंग है ये और काफ़ी वाइड और अच्छी सुंदर बना रखी है, फॉल सीलिंग वगैरह के साथ में लाइटें वगैरह का प्रॉपर वर्क है इसमें और टाइल वर्क देख सकते हो आपको पूरा मिलेगा, चार चार फीट तक टाइलें लगी हुई हैं और LED टाइल वर्क के साथ में आपको ये पूरे पार्किंग मिल जाएगा। और देख सकते हैं इसमें जो है आपको लिफ्ट की भी सुविधा इसके अंदर आपको मिलेगी पूरी ही, देख सकते हैं जो लिफ्ट है ये आपको मिल जाती है, न्यू मॉडर्न लिफ्ट है एकदम, बटन दबाते ही आपकी लिफ्ट नीचे आना चालू हो जाती है। तो दोस्तों हम ऊपर चलते हैं अपने फ्लैट पे, उससे पहले हाँ एक चीज़ और, ये जो यहाँ पे सीढ़ियाँ दे रखी हैं ये भी पूरे आपको पत्थर और स्टील की रेलिंग के साथ में ही आपको मिलेगी। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें एग्जिट के लिए आपको एक रास्ता और मिल जाता है, जो हमारी साइड में एक और रास्ता है कॉर्नर का फ्लैट रहने वाला है, उसमें कोने के रहने से एक बेनिफिट है कि आपको एक रास्ता और यहाँ से मिल जाता है, किसी कारण वहाँ पे गाड़ी लगी है बंद है रास्ता कोई, तो आप यहाँ से भी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलेंगे हम ऊपर अपने फ्लैट पे, एंटर करेंगे और वहाँ से आपको दिखाएंगे हमने जो फ्लैट बनाया कितना सुंदर बनाया है और आपके लिए हमने आज क्या आपकी सुविधा रखी है। तो दोस्तों ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे हम एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपको एक आपको डाइनिंग हॉल मिल जाता है, देख सकते हैं काफ़ी स्पेसिस है, हमने सोफे टेबल और दो छोटी छोटी वो जो सोफे होते हैं वो रख के हमने दिखा दिए हैं आपको, देख सकते हैं काफ़ी मतलब स्पेस आपको इसमें मिल जाता है। वीडियो में बहुत लोग बोलते हैं छोटा है वैसा है, लेकिन हमने स्पेस आपको इसलिए रख के दिया, सैंपल हमारा रहने वाला है, आप चाहो तो इसको भी आपको मिल जाएंगे, सामान भी आपको साथ में मिल जाएगा जो हमने रखा हुआ है, लेकिन हमारा लेकिन ये अभी सैंपल है। तो दोस्तों इसमें आपको देख सकते हैं विंडो है वो आपको इसके अंदर भरपूर मिल जाएगी, किचन में हॉल में दोनों रूम में आपको हर जगह आपको इसमें विंडोज़ मिल जाती हैं, क्योंकि ये कॉर्नर का इसमें फ्लैट रहने वाला है, कॉर्नर का फ्लैट रहने का बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत एयरी फील होता है और काफ़ी खुला खुला रहता है, लाइट भी जाती है तो आपको काफ़ी रोशनी इसमें मिलती है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आपको हॉल के अंदर आपको ये आपको टीवी का प्रोविजन मिल जाता है, यहाँ पे आप अपना टीवी लगा सकते हैं 32 इंच का 40 इंच का आराम से 50 इंच का टीवी तक इसमें फिट हो जाता है। इसमें स्टोरेज आपको इसमें देख सकते हैं मिल जाती है, काफ़ी स्टोरेज है, दो बॉक्सेस आपके स्टोरेज है, इधर भी आपको डिजाइन में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको मैंने नीचे दिखाया था कि इंटरकॉम की फैसिलिटी है, तो ये आपको यहाँ से ऐसे मिल जाती है, आप यहाँ से अपने गेस्ट को यहाँ से एंट्री दे सकते हैं, इंटरकॉम के जरिए बात करके ही कौन आया है आप पता कर सकते हैं।
होल सेलिंग को हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा वर्क इसमें मिलता है, एलईडी लाइट वर्क के साथ में राउंड सर्कल में हमने इसमें जो होल सेलिंग है उसका डिजाइन किया हुआ है। और 2 BHK का फ्लैट रहने वाला है दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, मैं बार बार आपको इसको रिमाइंड कराता रहूंगा कि 2 BHK का फ्लैट है, 2 रूम के साथ आपको ये मिलेगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको किचन। 2 BHK के फ्लैट के अंदर आपको जो ये किचन मिलने वाला है ये भी काफी आपको बहुत वाइड और एल टाइप में ही आपको ये किचन मिल जाता है। इसमें कुछ सामान रखा हो थोड़ा उसको इग्नोर करें, यहाँ पे आप अपना चिमनी की फिटिंग करवा सकते हैं, चिमनी हम आपको लगा के देंगे। वैसे इसके अंदर आपको चिमनी की फिटिंग इसमें मिल जाती है, ये बॉक्सेस आपको डिजाइन मिल जाते हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हैं आपके किचन को 4 चांद लगा देते हैं ये। और इसमें स्पेस देख रहे हो, बहुत स्पेस मिलेगा इसमें आपको, स्पेस की इसमें कोई कमी रहने वाली नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं ये जो बर्तनों का है इसमें, वो इसमें जो स्टोरेज है बर्तन वगैरह इसमें रख सकते हैं, काफी स्पेस है। ऊपर भी स्टोरेज में इसमें आपको पूरा मिल जाता है, यहाँ पे आपको 3 बॉक्सेस इसमें बड़े बड़े मिल जाते हैं। नीचे देखते हैं तो आपको मॉडर्न किचन मिलता है इसमें, देख सकते हैं इसमें ग्रिल वगैरह सारी इसमें लगी हुई है, स्पेस और डिजाइन की कोई कमी नहीं रहती, इसमें भरपूर आपको इसमें मिल जाता है। देख सकते हैं स्टोरेज जो है बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें बनाई गई है। सिंक जो है वो भी देख सकते हैं, एकदम प्रॉपर मॉडर्न टाइप का स्क्वायर टाइप में सिंक और काफी डीप है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसकी फिटिंग देख सकते हैं ये भी काफी अच्छी है, इसमें हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर के लिए भी इसमें कनेक्शन मिल जाते हैं। और ये आपने देख ही लिया है, इसमें ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाती है, आपको किचन में खाना बनाते समय आपको बिल्कुल भी घुटन नहीं होगी इसमें, बिल्कुल कोई सफोकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है इस फ्लैट में, आपको सब कुछ एयरी फील एंड लाइटिंग आपको प्रॉपर रहने वाली है। तो दोस्तों आपने विंडो देख ली, एक विंडो एयरी, एक विंडो एयरी और विंडो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो इस फ्लैट में रहने वाले, काफ़ी खुला खुला फ्लैट ये रहने वाला है। तो किचन हो गया, आपने हॉल देख लिया, टीवी का प्रोविजन देख लिया, अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो दोस्तों अब हम एंट्री करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। तो फर्स्ट बेडरूम में हमने ऑलरेडी 6x6 का बेड लगाया हुआ है, तो ये आपके लिए एक सैंपल है ताकि आपको ये दिख जाए कि इसमें कितना स्पेस है और एक बेड लगने के बाद भी इसमें कितनी जगह इसमें बचती है। साइडों में देख सकते हैं काफ़ी स्पेस में मिल जाता है आपको, साइडों में कोई जगह कमी रहने वाली नहीं है। तो दोस्तों फ्यूल सीलिंग, फॉल सीलिंग का देख सकते हैं तो आपको डिजाइन मिल जाता है अच्छा एलईडी वर्क के साथ में। आप ये विंडो देख रहे हो, इसमें आपको विंडो एसी लगाने के लिए भी मिल जाता है, विंडो एसी इसमें बहुत ही ईजिली फिट हो जाएगा साइड में, क्योंकि गली है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहने वाली। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ एक बार, देख सकते हैं आपको काफ़ी एयरी फील होगा इसमें, बहुत खुला खुला फ्लैट रहने वाला है। इसमें भी यहाँ पे ग्लास लगा दिया है, दरवाज़ा बंद करने के बाद भी आपको यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत दिखता रहता है। तो दोस्तों स्पेस की कोई कमी नहीं है और एरी है पूरा, आपको सफोकेशन बिल्कुल नहीं होगा इस फ्लैट में। कॉर्नर का फ्लैट लेने और कॉर्नर का फ्लैट रहने वाला है, 2 BHK का ये फ्लैट रहने वाला है। तो बाहर आते हैं, बाहर आते देखते हैं तो ये रेलिंग आपको स्टील की मिल जाती है, साथ में इसमें 2 एक्स्ट्रा पाइप लगाए हुए हैं हमने ताकि अपने रस्सियाँ बांध के आप अपने कपड़े भी यहाँ पे सुखा सकते हैं। देख सकते हैं जो बालकनी है वो भी काफ़ी बड़ी है, अपनी वॉशिंग मशीन अपनी रख के यहाँ पे आप कपड़े भी धो सकते हैं, आपको उसके लिए स्पेस मिल जाता है, पानी कनेक्शन आपको बाहर ही मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा मास्टर बेडरूम, अब हम चलेंगे हमारे इसमें सेकंड बेडरूम की तरफ। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो गया, ये हमारा सेकंड बेडरूम हो गया, साथ में आपको एक वॉशरूम मिलता है। हम पहले वॉशरूम पे नज़र मार लेते हैं एक बार, आपको वॉशरूम दिखाएंगे, देख सकते हैं काफ़ी स्पेस और काफ़ी वाइड वॉशरूम बना हुआ है इसमें, एलईडी लाइट वगैरह, शावर वगैरह प्रॉपर इसमें फिटिंग हो रखी है, गीजर के कनेक्शन तक इसमें हमने लगा दिए हैं, बस आपने लगाना है अपना गीजर। और यहाँ पे आपको एक वॉश बेसिन मिल जाता है, देख सकते हैं आपको प्रॉपर इसमें वर्क मिलता है, देख सकते हैं जो इसमें वॉशरूम है ये आपको हॉट एंड कोल्ड का भी इसमें भी आपको वाटर कनेक्शन रहता है, और ये एक नॉर्मल वाटर के लिए आपको इसमें मिल जाता है। इसमें वेस्टर्न सीट इसमें रहने वाली है वॉशरूम में, देख सकते हैं और काफ़ी स्पेसियस ये बना हुआ है। तो अब हम चलेंगे हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों ये जो हमारा है सेकंड बेडरूम रहने वाला है, और दोस्तों ये जो बेडरूम है ये आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिस और आपको अलमीरा
भी इसके अंदर मिलती है, और साथ में इसमें भी आपको विंडो मिलती है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये विंडो इसमें भी आपको मिल जाएगी, और ये विंडो आप देख सकते हैं खोल के कितनी ज़्यादा वाइड, और विंडो एसी के लिए आपको यहाँ पे कनेक्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे अपना विंडो एसी लगवा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैर लग 6x6 का बैर लगने के बाद भी मुझे कितनी स्पेस यहाँ पे मिल रही है, आप देख सकते हैं। और इधर भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी वाइड स्पेस आपको इधर मिल जाती है, दोनों साइड में आपको स्पेस मिलता है। और इसमें देख रहे हो ये जो अलमीरा है ये आपको काफ़ी बड़ी मिलती है, हाइट भी काफ़ी अच्छी इसकी अपने दी हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपका सामान स्टोर हो पाए। दोस्तों आपको 2 BHK का फ्लैट हमने दिखाया है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें जो ये दीवारें हैं जो आपको एक आपको हर दीवार पे वॉलपेपर एंड टेक्सचर पेंट जो आपकी चॉइस है वो हम आपको करवा के देंगे, सेलिंग फ़ैन वगैरह वो तक हम आपको लगवा के देंगे, कंप्लीट आपको ये मिलने वाला है, किसी तरह की कोई कमी नहीं मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा आपकी नीड हो वो हमें बता सकते हैं विजिट करके, कि तो आपके चेंजेस के अकॉर्डिंग वो फिट किया जाएगा। तो दोस्तों पसंद आया होगा 2 BHK का फ्लैट, तो अब हम बात करें इसकी प्राइस की। और इससे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन थोड़ी बता देता हूँ, ये जो फ्लैट है एग्जैक्ट आपको गांधी चौक पे ही मिलेगा, बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे ही आपको गांधी चौक मिलता है। गांधी चौक से आपको गांधी चौक से 1.5 किलोमीटर दूरी पे ही आपको मेट्रो स्टेशन द्वारका मोड़ आपको इस पर मिलेगा। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन दोस्तों यहाँ रहने वाला है, नज़दीक है बहुत, 5 मिनट में 10 मिनट में आप द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन यहाँ से पहुँच जाएंगे। बाहर निकलते आपके गली के बाहर बिल्कुल निकलते ही आपको ऑटो बैटरी रिक्शा सब आपको मिल जाएगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं मिलेगी आपके यहाँ पे। रेगुलर आप कुछ भी सामान लेते हैं तो भी आपकी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो पाएंगी। आपको नियर बाय में स्कूल GD लेंसर आपको यहाँ पे मिलता है। 23,90,000 रुपये इसका प्राइस रहने वाला है। 23,90,000 दोस्तों 2 BHK का फ्लैट आपको मिलेगा। 23,90,000 रुपये में गांधी चौक पर फ्लैट दे रहे हैं मैं आपको दोस्तों, बहुत ही प्यारा फ्लैट है दोस्तों, पसंद आएगा आपको, देखते ही पसंद आ जाएगा आपको। स्पेस हमने आपको सारा सामान रख के दिखा दिया ताकि आपको बाद में लगे नहीं कि यार ये तो शायद वैसा है वैसा है, ये एकदम परफेक्ट फ्लैट है 2 BHK, आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो आप विजिट करें जल्दी से हमारे ऑफिस पे, आप गांधी चौक आके हमें कॉल करें, आपको हमारा ऑफिस में मिल जाएगा, यहाँ पहले आपको आपको फ्लैट विजिट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और जल्दी मैं और बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊंगा, जल्दी सी एक 1 BHK का एक फ्लैट और आपके में ले लाऊंगा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे वो फ्लैट आने वाला है, आपको इतने बढ़िया प्राइस पे 1 BHK का फ्लैट मैं दूंगा आपको, आपको पसंद आएगा प्राइस सुनते ही, और आपको फ्लैट भी बहुत प्यारा लगेगा, बिल्कुल इसी बिल्डिंग में मैं आपको वो फ्लैट दे दूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे चूके नहीं, ताकि वो जल्दी से वो भी आपको मिले और आपको क्या पता वो आपकी नीड फुलफिल कर दे। तो दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें दोस्तों को जिनकी नीड है फ्लैट की। तो थैंक यू, बाय बाय।